हरिद्वार के रानीपुर कैंपस में बीते महीने 21 अगस्त को हुई चोरी की घटना के आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों के जेवरात और कुछ नकदी पर हाथ साफ कर लिया था। जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त को हुई इस चोरी की घटना का मुकदमा दर्ज कर पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई थी। चोरी की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस शहर के हर सीसीटीवी को खंगाल रही थी और इसी के चलते पुलिस को चोरों के कुछ अहम सबूत मिले और फिर सबूतों के आधार पर पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अमित और उसके साथी शुभनीत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के घर से चोरी के जेवरात और नकदी पुलिस ने बरामद कर ली। इतना ही नहीं, आरोपी ने तो चोरी के ही पैसों से अपने लिए 2 मंजिला मकान तक बनाया हुआ है। पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने ये भी बताया कि आरोपी अमित एक पेशेवर चोर है और वो कुछ महीने पहले ही चोरी के मामले में जेल से रिहा होकर आया था। साथ ही एसपी सिटी ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से 21 अगस्त को चोरी हुआ सामान जब्त कर लिया गया है और आरोपी अमित के खिलाफ गैंगस्टर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सके।